इंग्लिश तो मतलब ये लॉकडाउन में तेरी इंग्लिश बेहतर ही हो रही है। क्योंकि यहाँ पे आई ना इसलिए वो असर पड़ गया। आप लोग के साथ रह रहे के अच्छे अच्छे असर पड़ रहे। हाँ तू अंग्रेजी सीख रही है और हमें मराठी सिखा रही है। हाँ क्योंकि बोलते कभी कभी ना मराठी भी अंग्रेजी की जैसी बहुत मुश्किल होती है सीखने। हाँ पर तूने बचपन से सीखी है ना मराठी तो तुझे आती है। हमने हम मराठी तो मराठी बोलेंगे। मुझे हिंदी नहीं आती थी पहले। तेरी हिंदी बहुत अच्छी है यार। हाँ तो मैं जब मुंबई में आई ना तब मेरी हिंदी अच्छी हो गई। नहीं तो पहले मुझे हिंदी नहीं आती थी। उसमें भी मैं आधा मराठी मिक्स करती थी आधा हिंदी नहीं आती थी मुझे पहले। बोलते मेरी मम्मा को काफी तक नहीं आती। मेरी मम्मा तो ना उसमें बोलती तू मराठी में ही बोल चाहिए तो मैं ट्रांसफर करती हूँ हिंदी में किसी और को तुझे बोलना है तो। ट्रांसफर नहीं ट्रांसलेट। हाँ वही कुछ मतलब होता है ना कि तू मराठी में बोल मैं हिंदी में उनको सुनाती हूँ कि भाई मम्मा ऐसे ऐसे बोल रही करके। नहीं तो उसको तो आती नहीं थी। हाँ ऐसा मतलब नहीं ना उसकी वो हिंदी रहती थी। हाँ फिर कैसे हो तुम कुटे साले अरे कुटे साले किधर जा रहे हो ये बोल मम्मा। फिर वो बोलेगी हाँ किधर जा रहे हो क्योंकि उसको भी इतनी हिंदी नहीं आती। आपको शौक होगा उसका जन्म मुंबई में ही हुआ है सांता क्रूज में। हाँ। मम्मा का मेरे क्योंकि उनके मम्मी पापा वो बर्फ हाई स्कूल नहीं है। हाँ। वहाँ पे काम करते थे वो। जब वो स्कूल जब बन रहा था ना तो वही बनाने के लिए उनके मम्मी पापा भी थे मेरी। अच्छा। मम्मी की तो हाँ तो उनका उधर ही मतलब सांता क्रूज में प्यार हुआ। प्यार कहाँ जन्म हुआ। तो उस जमाने में उन लोग के ज्यादा प्यार नहीं रहते थे जो माँ बाप मतलब शादी कर देते थे रिश्ता तो वही होता था। तो मेरे मम्मा का भी वही होगा ना इसलिए। और कुछ नहीं तो मैं अभी मेरा जो इंग्लिश है वो खत्म हो रहा है अभी। मराठी सीख रहा हूँ। तो अच्छी बात है ना सर। बिल्कुल अच्छी बात है। तू बच्चों को भी सिखा रही है ना तो आर्यमन और आयुष्मान को। बड़े भाइयों को तो अच्छे से आती है। हाँ हाँ और छोटे भाइयों को भी आती है थोड़ी सीख रहे। क्योंकि छोटे भैया को ना थोड़े थोड़े वर्ड समझ में नहीं आते तो वो फिर वापस मेरे को हिंदी में समझाना पड़ता है कि भैया मैं ऐसे पर बड़े भैया को आता है। बड़े भैया को आता है। हाँ बड़े भैया को अच्छे आते हैं मराठी। ज्यादातर की उनका ये शब्द बहुत पसंद आता हो क्योंकि सबसे आसान है। सबसे आसान है हो